दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे रेलवे सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाले फायदों के बारे में। तो इसको लेकर 17 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सभी सर्कल्स के जो हेड्स हैं या चीफ जनरल मैनेजर्स हैं उनको लेटर जारी किया गया है, और लेटर के अनुसार रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत मिलने वाले फायदों में बढ़ोतरी की गई है। और कौन कौन सी बढ़ोतरी की गई है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहली बात कि ये जो फायदे हैं ये देश भर के सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में उपलब्ध हैं। चाहे आप कहीं भी सर्विस करते हो, यदि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में अकाउंट है तो ये फायदे आपको मिलेंगे। तो यदि आप एक रेलवे कर्मचारी हैं तो आप अपने अकाउंट को रेलवे सैलरी पैकेज अकाउंट में जरूर तब्दील करें, जिससे बहुत सारे फायदे आपको मुफ्त में मिलते हैं। तो कौन कौन से ये फायदे मिलेंगे इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यदि आपका सैलरी अकाउंट पहले से ही सैलरी पैकेज अकाउंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे और लोग भी इसको कन्वर्ट करा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो सैलरी पैकेज अकाउंट है वो कौन सी सैलरी के अनुसार कौन सा पैकेज कर्मचारियों को दिया जाता है उसके बारे में। तो जो नई गाइडलाइंस है उसके अनुसार ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनका की जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर 25,000 रुपये के बीच में है, तो उन्हें सैलरी सैलरी पैकेज यानी सिल्वर सैलरी पैकेज दिया जाता है। उसके बाद में ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनका की सैलरी 25,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में है, तो उनको गोल्ड सैलरी पैकेज दिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर है कि ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनका की सैलरी 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक है, तो उन्हें डायमंड सैलरी पैकेज दिया जाएगा। उसके बाद में ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनका की सैलरी 1,00,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक के बीच में है, तो उन्हें प्लेटिनम सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा एक नया पैकेज रोहोडियम भी यहाँ पर शुरू किया गया है। ये उन रेलवे अधिकारियों के लिए रहेगा जिनका की सैलरी 2 लाख से ऊपर है। तो ये सैलरी पैकेज है, और इसके अलावा कुछ अन्य फायदों में भी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, तो वो भी जान लेते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलाउंस यानी कि डेथ कवर PAI, जो कि पहले सभी वेरिएंट्स के लिए 40 लाख रुपए तक था, तो इसे बढ़ाकर अब यानी कि 100 लाख 1 करोड़ यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद में एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी कि AAI कवर, जो कि पहले 100 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए तक था, अब इसे बढ़ाकर 160 लाख रुपए कर दिया गया है। तीसरा फायदा यहाँ पर जो किया गया है कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर, जो कि पहले सभी वेरिएंट के लिए 40 लाख रुपए तक था, इसे भी बढ़ाकर अब 100 लाख रुपए कर दिया गया है। अगली बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है कि परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी PDP कवर, जो कि पहले 20 लाख रुपए तक था, अब इसे बढ़ाकर 80 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर, जो कि पहले निल था, इसे भी अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो कम से कम 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अब सैलरी पैकेज पर दिया जाएगा। इसके अलावा अधिकतम जो एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो यहाँ पर 160 लाख रुपए तक का भी सभी वेरियंट्स पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि हर एक जो अकाउंट है या जो सैलरी पैकेज है उस पर कौन कौन से फायदे मिलेंगे इसके बारे में। तो वीडियो काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी जाकर आपको पूरी जानकारी इसमें मिल पाएगी। तो अब यहाँ पर जो आपका अकाउंट है उस पर मिलने वाले जो फायदे हैं वो भी जान लेते हैं। ये जो कुछ फायदे हैं ये आपके रुपए जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा उससे रहेंगे, और जिन फायदों में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है वो यहाँ पर इस प्रकार है कि जो लॉकर कंसेशन है, जो सिल्वर पैकेज पर पहले नील था उसे अब भी नील उस बढ़ोतरी नहीं की गई है। गोल्ड पर पहले 10% था उसे अब घटाकर 0 कर दिया गया है। वहीं डायमंड पैकेज पर पहले 15% कंसेशन मिलता था लॉकर पर, अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर पहले 25% मिलता था उसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, और रोहोडियम पैकेज पर अब 50% लॉकर कंसेशन दिया जाएगा। उसके बाद में जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में भी अब यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। तो यहाँ पर जो मौजूदा फायदे हैं वो कर्मचारियों के लिए मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो रुपे कार्ड है उस पर मिलने वाले फायदों की जानकारी अनेक्सर 1 में दी गई है, यानी कि
जो एक नई सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है, रुपे डेबिट कार्ड, और इसमें बहुत सारे फायदे एक रेलवे कर्मचारियों को दिए जाते हैं, जिनके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी यहाँ पर शुरू की गई है। तो यहाँ पर पहले कोई यानी कि टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, अब ये रेलवे कर्मचारियों के लिए शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए विद 2 लाख और 3 लाख डिडक्टेबल एज पर एक्सटेंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एमओयू विद बजाज जीआईसी, कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द कस्टमर टू बी परचेज वॉलेंट्री एट डिटेल प्लेस्ड एट नेक्सा 2। तो यहाँ पर आप एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो काफी फायदे यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, खासतौर से जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, डेथ कवर वगैरह, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। तो अभी तक यदि आपने अपना सैलरी पैकेज जो अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है सैलरी अकाउंट को, तो आप करवा लें, क्योंकि बहुत सारे फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो RSP रुपे डेबिट कार्ड है, उस पर मिलने वाले जो फायदे हैं उनके बारे में आपको अलग से एक वीडियो में बता दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे फायदे यहाँ पर रुपे क्रेडिट कार्ड पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर भी काफी फायदे यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको कि एक रेलवे कर्मचारी अवेल कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपके फायदे की रहेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी इस अपडेट के बारे में जान सकें, और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।